नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। महंत की भू समाधि, महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई है। और इससे पहले जब उनके पार्थिव शरीर को संगम पर ले जाया गया था, तब भारी भीड़ होने की वजह से स्नान की पूरी प्रक्रिया को ट्रक के अंदर ही पूरा किया गया था, जहां से महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को बागम्बरी मठ लाया गया था, जहां उनको भू समाधि दी गई। बता दें, इस दौरान पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें भू समाधि दी गई और इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में ये ख्वाहिश जताई थी कि मठ के पार्क में उन्हें समाधि दी जाए। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से अंतिम यात्रा पर महंत नरेंद्र गिरी थे और ऐसे में भू समाधि उन्हें दे दी गई है। हजारों की संख्या में साधु संत वहां पर मौजूद रहे। तो बता दें, महंत नरेंद्र गिरी महाराज को आज भू समाधि दी गई है। पहले सुबह पोस्टमार्टम उनका किया गया था, करीब 2 घंटे तक उनका पोस्टमार्टम चला। हालांकि अब जो है, फिर उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में भारी संख्या में साधु संत अलग अलग जगहों से वहां पर पहुंचे थे। हर किसी की आँखें नम थी और ऐसे में सभी ने नम आँखों से महाराज को भू समाधि दी। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पहले ही वहाँ पर व्यवस्था कर ली गई थी और इसीलिए भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो पुलिस बल भी काफ़ी बड़ी संख्या में वहां पर तैनात किया गया था। ऐसे में ये जगह वो है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जहां पर नरेंद्र गिरी महाराज को भू समाधि दी गई है। और ऐसे में वहां पर अलग अलग जगहों पर से वहां पर साधु संत मौजूद रहे। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से शव यात्रा में उनके काफ़ी बड़ी संख्या में साधु संत अलग अलग जगहों से आकर मौजूद हुए, शामिल हुए। दोस्ती संबंध और हत्या, जी हां, अलीगढ़ के इंग्लास की मास्टर कॉलोनी में सोमवार को हुई बनवारी नामक युवक की मौत ने एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल मामले में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक बनवारी के उसके ही साथ रहने वाले दोस्त नवीन के साथ पिछले काफी समय से समलैंगिक संबंध थे और बनवारी के परिजनों ने मृतक के दोस्त नवीन पर इन्हीं समलैंगिक संबंधों से छुटकारा पाने के चलते बनवारी की हत्या करने का आरोप लगाया है। बता दें कि बनवारी और नवीन एक किराए मकान में रहकर एक साथ रहते थे और जागरण जैसे कार्यक्रमों में झांकियां निकालने का काम करते थे। वहीं बनवारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसी के घर से बरामद हुआ था। मौके से पुलिस को सलपास की पुड़िया भी बरामद हुई थी। वहीं बनवारी के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बनवारी का बिस्सा प्रिजर्व कर लिया है और जिसे FCL के लिए आगरा भेजा गया है। बता दें, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक बनवारी की मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही बता दें, मृतक बनवारी की 13 साल पहले शादी हो चुकी है और उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा भी है। वहीं मामले में पुलिस पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर युवक की मौत के मामले में अब ये नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल युवक के परिजनों ने उसके ही दोस्त के परिवार पर हत्या करने का आरोप लगाया है और ऐसे पे दोस्त पर ही समलैंगिक के चलते हत्या करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि बता दें, मृतक जो है बनवारी, उसकी 13 साल पहले शादी हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे भी हैं। कल दिनांक 20/9/2021 को मृतक बनवारी लाल का शव मास्टर कॉलोनी में मिला है, उसका क्या प्रकरण है? कल सुबह मृतक बनवारी लाल सना वेद प्रकाश, जो हजीरा रोड थाना दिल्ली गेट का रहने वाला है, अपने दोस्त नवीन पोनिया सना धर्मवीर सिंह पोनिया निवासी कलवारी जिला हाथरस कोतवाली हाथरस के साथ मास्टर कॉलोनी में निरपत सना बाबूलाल के मकान पर किराए पर रहते थे। ये अपने दोस्त नवीन पोनिया के साथ रहता था। संदिग्ध अवस्था में सब इसका शव मिला है। शव के पास से सलपास की पुड़िया पाई गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों द्वारा बिसरा प्रिजर्व किया गया है। बिसरा परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। स्थानीय पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। जाँच तथा दूसरा रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे बहन हुई तो का फोन गया, नवीन नाम के लड़के ने फोन किया तो ऐसे ऐसे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। और प्रशासन को भी पता पड़ गई, उसने मौजूद में मृत्यु देगी वो थाने ले आए।
थाने ले आके अलीगढ़ पोस्टमार्टम पर भेज दिए और हम उसके नाम FIR करना चाहते हैं। हमारे प्रशासन कह रहा है। तो क्या घटना की वजह क्या रही? घटने की तो भाई हम जब भी मालूम पड़ेगी जो वो पोस्टमार्टम बताएंगे ये लिख के देंगे या सूचना मिलेगी। हमें तो खाली फोन पे ही तो पता पड़ी है मृत्यु हो गई। अठारह तारीख से पता नहीं फिर कहाँ ले गया कहाँ नहीं ले गया और आज कल देखा था तो यहाँ पर ले गया। इसलिए क्या कारण है घटना का? घटना का उसको पता होगी, पता नहीं क्या करता क्या नहीं कर रहा उसके उसने उसकी जाती। तुम्हें कैसे सूचना मिली? मुझे तो इस वजह से फोन गया था यहाँ से ऐसे ही तुम्हारा गया तो क्या। चलिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय आखिर ये पूरा मामला क्या है? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी। अजय, जिस तरह से ये युवक की बनवारी की मौत हो गई है पूरा मामला आखिर क्या है? देखिए हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की जो तहसील है इगलास क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर बनवारी और उसका दोस्त नवीन पिछले काफी समय से एक किराए के मकान पर रहकर दोनों साथ में रहते थे जी। तो वही बनवारी का जो दोस्त है नवीन वो हाथरस जिले का रहने वाला है जबकि बनवारी मृतक जो है वो अलीगढ़ के थाना बैलीगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है जी। दोनों दोस्त काफी समय से जो झांकियां वगैरह निकलती थी ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों साथ रहते थे, दोनों साथ ही जाते थे जी। तो परिवार के लोगों का आरोप है कि बनवारी के परिवार के लोगों का आरोप है कि बनवारी की समलैंगिक संबंधों के चलते उसी के दोस्त नवीन ने उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है जी। बिल्कुल अजय, लेकिन जिस तरह से परिवार समलैंगिक संबंध के आरोप लगा रहा है क्या इसके बारे में पहले किसी को पता था? किस आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है? देखिए परिवार के लोगों का परिवार के लोगों को शक था और उन्होंने इस बात को कहा भी है कि उनका दोनों के बीच में समलैंगिक संबंध थे और इसी समलैंगिक संबंधों के चलते दोनों एक साथ रहते थे। लेकिन अब समलैंगिक संबंधों के विरोध के चलते बनवारी की उसके ही दोस्त नवीन ने हत्या कर दी है और वहीं इसके साथ ही जो लिखित में जो तहरीर दी गई है मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में जो डॉक्टर हैं उन्होंने बनवारी का पोस्टमार्टम करने के बाद में उसके बिस्तरे को प्रिजर्व कर लिया गया है। जो डॉक्टर द्वारा बिस्तरा प्रिजर्व दिया गया है वो FSL लैब आगरा के लिए फोरेंसिक लैब के लिए भेजा जाएगा और वहां से जो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें करेगी और तब तक इसको जांच के लिए पुलिस जांच में लगी हुई है जी। बिल्कुल अजय, जो बनवारी का दोस्त था नवीन क्या उससे पुलिस से पूछताछ की है? क्या उसको पकड़ा है अभी तक? क्योंकि जिस तरह से आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं उसका क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए बनवारी के ऊपर जब हत्या के आरोप लगाए हैं तो बनवारी मौके से फरार हो गया है। लगातार पुलिस बनवारी उसके नवीन की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि बनवारी की हत्या जो है समलैंगिक संबंधों के चलती हुई है क्योंकि उसने रास्ते से जब उस बात का विरोध करना शुरू कर दिया था परिवार के लोगों ने तो उसने रास्ते से हटाने के लिए उसके दोस्त ने जो गुस्से में आकर उसकी हत्या की और हत्या को अब तो वही सबसे बड़ी बात है कि जब बनवारी का शव मौके पर पुलिस पहुंची थी तो उसके पास से सरकार की गोलियां भी पुड़िया भी बरामद हुई थी जो पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिए वो भी जांच के दायरे में रखी गई है जी। बिल्कुल अजय, यानी कि साफ देखिए सल्फास की गोली पुलिस को वहां से मौके से मिली लेकिन परिवार उसके दोस्त पर आरोप लगा रहा है। तो क्या परिवार का ये कहना है कि उसने ही नवीन ने ही बनवारी को ये सल्फास की गोलियां खिलाई थी? देखिए जो परिवार के जो बनवारी की जो पत्नी है उसका आरोप है कि बनवारी का जो दोस्त नवीन उसके पास में गया था आज से करीब कई दिन पहले तो वो उसको कुछ पैसे भी लेकर आया था जिसके बाद में उसके पति को वहां से अपने साथ में लेकर चला गया, दोनों अपने कमरे पर चले गए थे। उसके बाद में बनवारी की जो है नवीन ने सोची समझी षड्यंत्र के तहत षड्यंत्र बताए हैं परिवार के लोग कि षड्यंत्र के तहत बनवारी की हत्या व समलैंगिक संबंधों के चलते नवीन ने हत्याकांड को अंजाम दिया है जी। जी चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी, यह आरोप जो है परिवार वालों की तरफ से लगाया जा रहा है। बता दें मृतक बनवारी की 13 साल पहले ही शादी हो चुकी है और उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा भी है। वहीं मामले में पुलिस अब पीड़ित परिजनों की तहरीर पर
छानबीन कर रही है और उसके आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बता दें युवक की मौत के मामले में अब ये नया मोड़ सामने आया है। दरअसल दोनों दोस्तों में आपस में परिवार ने समलैंगिक संबंध होने के आरोप लगाए हैं और परिवार की तरफ से ये कहना है कि इसीलिए नवीन ने बनवारी की हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस जब मौके पर पहुंची थी वहां पुलिस ने मौके से सरफराज की गोलियां भी बरामद की थी। हालांकि अब जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी प्रिजर्व रखी गई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद साफ तौर पर खुलासा हो जाएगा कि आखिर ये मौत थी या फिर सोची समझी साजिश के तहत इसको मौत के घाट उतारा गया था। कितनी सुरक्षित हैं बेटियां? जी हां, दरअसल फरुखाबाद के एक गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव के ही एक युवक ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी और इसी दौरान आरोपी युवक गुरनाम बच्ची को बहला फुसला कर खेतों में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। बता दें बच्ची की हालत गंभीर है, जिसे चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद लोहिया अस्पताल फरुखाबाद रेफर कर दिया है। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। फरुखाबाद का पूरा मामला है, जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ ये घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया और अब पुलिस जो है आरोपी की तलाश कर रही है। ऐसे में बता दें आरोपी पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर दे दी गई है पुलिस को आरोपी युवक के खिलाफ, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो फरुखाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। एक तरफ शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम वादे तमाम दावे किए जाते हैं, महिला सुरक्षा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बेटियां प्रदेश में कितनी सुरक्षित हैं ये खबर उसकी बानगी है। क्योंकि जिस तरह से 3 साल की बच्ची कितनी छोटी बच्ची थी और ऐसे में वो अपने और बच्चों के साथ खेल रही थी अपने घर के बाहर, लेकिन उसी दौरान आरोपी युवक गुरनाम बच्ची को भला फुसला कर ले गया और खेत में इस घिनौनी घटना को उसने अंजाम दे दिया, जिसके बाद अब परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है, आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही बता दें बच्ची का इलाज अभी अस्पताल में कराया जा रहा है। इस तरह से जिस तरह से देखा जाए कि यूपी में शासन की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पर सब फेल होते नजर आ रहे हैं। फरुखाबाद से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, देखिए जिस तरह से प्रदेश में एक तरफ तो शासन की तरफ से ये वादा किया जाता है, दावा किया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा और बेटियों को लेकर तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर सामने आती है। हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं वो दावे पूरी तरह से खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। फरुखाबाद में इस तरह का एक मामला जो है आज आया है, जिसमें एक 3 साल की बच्ची के साथ में हैवानियत की गई है और सबसे बड़ी बात जो है इसमें रिश्ते शर्मसार करने की भी बात आई। जो युवक था वो उस बच्ची का चचेरा भाई बताया जा रहा है। मामला पूरा कमतिल थाना क्षेत्र का है, यहाँ ये 3 साल की बच्ची जो है घर के बाहर खेल रही थी, वहीं जो इसका चचेरा भाई जिसकी उम्र तकरीबन 18 वर्ष बताई जा रही है, वो उसको बहला फुसला के मक्के के खेत में ले गया और जिसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची जब रोती हुई घर पर पहुंची तो परिजनों को पूरे मामले की जानकारी हुई और जिसके बाद परिजन जो है निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनको थाने जाने के लिए कहा। उसके बाद जो है वहां पर मामला पुलिस के संज्ञान में आता है और जो है युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल पुनीत, लेकिन जिस तरह से देखिए ये घटना सामने आई है और इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो बेटियों को घर में ही कैद होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए छोटी सी बच्ची 3 साल महज इसकी उम्र और घर के बाहर खेल रही थी, उसके बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो आखिर बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं? आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के लिए दावे कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है,
और उसके बाद जो है एक बैठी दरिंदा आकर इस तरह की जो घटनाएं करता है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर। एक 3 साल की बच्ची के साथ में जो कृत्य किया गया वो निश्चित तौर पर ही निंदनीय है। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो जब मामला मीडिया के संज्ञान में आता है उसके बाद जो है पुलिस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करती है। कई घंटे तक परिजन इधर से उधर भटकते रहे, निजी अस्पताल गए, थाने पहुंचे और कई घंटे के बाद मुकदमा दर्ज करके जो है आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाती है। सबसे बड़ा सवाल इसमें पुलिस पे भी खड़ा हो रहा है कि तकरीबन 18 से 20 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी की पुलिस जो है गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े सवाल जो है अब पुलिस के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद आरोपी अभी तक पकड़ से बाहर क्यों है। जी चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 साल की बच्ची के साथ इस तरह की फरुखाबाद में घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि बच्ची का अस्पताल में अब इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है बच्ची की, जिसके बाद लोहिया अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया था और साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस की ये कैसी मनमानी। जी हाँ, दरअसल आगरा के एक गांव में युवती से छेड़छाड़ के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जब मामले के चलते गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, वहीं देखते ही देखते तनाव इतना बढ़ गया कि गांव में भारी संख्या में पीएससी बल तैनात करना पड़ा ताकि किसी भी तरह की किसी घटना को होने से रोका जा सके। मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के समैरा गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बता दें आगरा का यह पूरा मामला है जहां पर युवती से छेड़छाड़ से गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसको देखते हुए गांव में अब पीएससी को तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पीएससी को गांव में तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए पहले से ही पुलिस प्रशासन एहतियात बरत रहा है। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के समैरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले में अब गांव में तनाव पैदा हो गया है और स्थिति ऐसी हो गई है जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए ये कदम उठाया है कि पूरे गांव में पीएससी तैनात कर दी गई है। साथ ही पुलिस की तरफ से वहां का लगातार मुआयना भी किया जा रहा है। पुलिस की ये कैसी मनमानी। जी हाँ, दरअसल अमेठी के संग्रामपुर थाने से पुलिस की मनमानी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुलिस ने घर से भागकर शादी करने वाले बालिक लड़के और लड़की को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। बता दें कि बीते दिनों एक युवक और युवती ने घर से भागकर शादी कर ली थी और मामले में दोनों ही बालिक हैं, तो शादी करना कोई अपराध नहीं है, पर फिर भी पुलिस ने दोनों को पकड़कर पिछले 1 सप्ताह से हवालात में बंद कर रखा है। इतना ही नहीं, प्रेमी जोड़े के साथ साथ पुलिस ने युवक के पिता को भी बीते 1 हफ्ते से हवालात में बंद कर रखा है। मामले में स्थानीय विधायक प्रतिनिधि आनंद विक्रम सिंह ने भी दखल देने की कोशिश की, पर फिर भी पुलिस अपनी जिद पर अड़ी रही और किसी को भी नहीं छोड़ा। वहीं मामले में परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने छोड़ने के अवज में 50,000 रुपए की मांग भी की है। तो अमेठी का यह पूरा मामला है जहां पर साफ तौर पर पुलिस की मनमानी देखी जा सकती है। दरअसल एक प्रेमी जोड़ा जो बालिक था, उन्होंने भाग कर शादी कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की रजामंदी के बाद भी पुलिस ने दोनों को हवालात में बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, दोनों के लड़के के पिता को भी पुलिस ने हवालात में डाल दिया। हालांकि विधायक के प्रतिनिधि जब वहां पर पहुंचे तो उनकी भी पुलिस ने नहीं सुनी। तो अमेठी का यह पूरा मामला है जहां पर शादी करने पर जेल में एक लड़के और लड़की को बंद कर दिया और
पुलिस की अनोखी मनमानी ये साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपको बता दें कि परिवार का आरोप है कि पुलिस ने 50,000 रुपए भी लिए हैं। पुलिस ने बता दें युवक के पिता को भी बीते एक हफ्ते से हवालात में बंद कर रखा है। साथ ही मामले में जब स्थानीय विधायक प्रतिनिधि अनंत विक्रम सिंह वहां पर पहुंचे और मामले में दखल देने की कोशिश की, पर फिर भी पुलिस ने नहीं सुनी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ अमेठी समाज संवाददाता रणविजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय, जिस तरह से देखा जाए यूपी पुलिस अक्सर सवालों के घेरे में खड़ी रहती है और एक बार फिर इस तरह की मनमानी वाला रवैया देखने को मिला है। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की बात आती है तो हमेशा से ही वो कटघरे के घेरे में खड़ी रहती है। ऐसे में कई मामले ऐसे आए हैं अमेठी जनपद के कि जहाँ पे पुलिस पर हमेशा सवालिया निगाह होता है, वहीं ये मामला जो है संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत है जी, कि शादी का मामला था। लड़का लड़की अपनी मर्जी से जाके शादी किए हैं और उसके बाद उनके परिजनों पर पुलिस बराबर दबाव बना रही थी कि जो है किसी तरह से बुलाया जाए, जबकि लड़का मौके पे आके वहाँ पे सारे कागजात अपने सारी चीजें दिखा के फिर चला गया था। बात उसके पुलिस की लगातार मनमानिया थी, यहाँ तक कि मिली जानकारी के अनुसार की जो है ये कहा गया कि या तो 50,000 रुपए दीजिए नहीं तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। रणविजय एक बात बताइए, रणविजय देखिए जो लड़का और लड़की ने शादी की दोनों बालिक हैं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही थी? जी वही मैं बताना चाहूंगा कि दिक्कत कहीं नहीं थी, लेकिन ये केवल पुलिस पर एक सवालिया निशाना हमेशा से उठा रहा है जी कि पुलिस जो भी करेगी वो अपने ही मन से करती है जी, किसी गरीब आदमी से उसको कोई मतलब नहीं, उसको केवल अपने काम से काम मतलब रहता है, ऐसा इस जनपद में कई बार देखा जा चुका है। बिल्कुल रणवीर, यानी कि देखिए जो अपराधी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, पुलिस उनको तो पकड़ने से बच जाती है, उनको तो पकड़ नहीं पाती, लेकिन जो निर्दोष लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते और सब चीजें सही करते उनको पुलिस पकड़ लेती है। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से सवाल खड़े होते हैं जनपद को लेकर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर की बात है जी। कहीं ना कहीं से कुछ कमियां हमारे अंदर, हम आम लोगों के अंदर होती है, जिसका पूरा का पूरा फायदा पुलिस विभाग उठा लेती है। जी जी, चलिए रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमेठी का पूरा मामला है जहां पर पुलिस की यह अनोखी मनमानी देखने के लिए मिली। दरअसल एक युवक युवती ने, बालिक थे जो, उन्होंने भाग कर शादी कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और ऐसे में दोनों ने इस अवज में पुलिस ने 50,000 रुपये भी लिए। इस तरह का आरोप परिवार की तरफ से पुलिस पर लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने युवक के पिता को भी बीते एक हफ्ते से हवालात में बंद कर रखा है। तो अमेठी से ये इस तरह का मामला देखने को मिला है जहां पर पुलिस का ये अनोखा मनमानी करने का रवैया सामने आया। हालांकि देखिए यूपी पुलिस लगातार सवालों के घेरे में खड़ी रहती है और इस तरह से अमेठी से भी जो मामला आया है वहां पर भी पुलिस की ये अनोखी मनमानी देखने को मिली है। रिश्वत लेते अधिकारी कैमरे में कैद। जी हाँ, हरदोई से एक बार फिर भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें इन दिनों हरदोई से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में एक व्यक्ति रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिख रहा शख्स जिला विकास अधिकारी का स्टेनो प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव है, जो कि किसी काम के अवज में रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। वह इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही विभाग में हड़कंप का माहौल है। मामले में डीटीओ प्रभारी गजेंद्र सिंह ने आरोपी स्टेनो को निलंबित कर दिया है और मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मामले में जांच बिठाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर घूस लेने का ये वीडियो डीटीओ के स्टेनो प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव का है। जानकारी के मुताबिक अहिरोरी में तैनात ग्राम विकास अधिकारी नीरज वर्मा स्टेनो को रिश्वत दे रहा है और ये रिश्वत कई शिकायतों की जाँच निपटाने के लिए दी जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के माध्यम से जिला विकास अधिकारी के स्टेनो श्री प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव के अनुचित तरीके से धन लेने के वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले को प्रथम दृष्टया सही मानकर स्टेनो को निलंबित कर दिया गया है। जांचोपरांत आगे की कार्रवाई।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।